बिहार के युवाओं ने रोजगार के मुद्दों पर सरकार को नम्न आंखों से फिर से झुका दिया है और कहा है कि आपको रोजगार देना ही पड़ेगा, वादा किया तो वादा निभाना ही पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं या नहीं है ये 2024 में तय होगी, लेकिन खबरें इस वक्त से कई प्रकार से आनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कि किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और इसकी बदलाव के साथ कुछ नई तस्वीरें भी सामने निकल करके आई है। लालू प्रसाद यादव के बिहार आने के बाद में राजनीतिक में किसी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और यह बड़े बदलाव के संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब लालू प्रसाद यादव बदलेंगे। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता करके उन्हें सीएम के पद से इस्तीफा लेने की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कि चिराग पासवान ने किस तरीके से अपनी बाहों को मजबूत भाजपा के साथ में रह करके करने का प्रयास किया है और भाजपा के साथ रह करके वह अपनी किस तरीके से जी हाँ मजबूत कर रहे हैं अपने आप को। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में बात होगी कि किस तरीके से चिराग पासवान ने जी हाँ अपने आप को मजबूत किया और इसके साथ आज की बड़ी खबर में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बना करके लगातार कोशिश हो रही है कि उन्हें रोजगार के मुद्दों पर झुकाया जाए। इधर बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की मजबूत नीतियों का एक बार फिर से चुनौतीपूर्वक जो चीज़ें हैं वो देखी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कि पप्पू यादव ने माना कि बिहार के मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव ही बनेंगे और इसके साथ ही ठंड के मौसम में लोगों की किकुड़ने की तस्वीरें सामने आई। ठंड ने लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू किया, ऐसे में आपको भी बचकर रहने की आवश्यकता। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सुशील कुमार मोदी ने हमेशा से यह बयान देते नजर आए हैं कि बीजेपी जब तक सत्ता में थी तब तक बिहार का हालात ठीक था और आज बिहार के हालात के बिगड़ने के पीछे के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। वह ऐसे हाथों में चले गए हैं जिस हाथों में से निकल करके आ पाना और अपने आप को भी बचा पाना बड़ा मुश्किल टास्क है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं और जब मुख्यमंत्री जी नहीं बचा पा रहे अपने आप को तो फिर जनता को क्या बचाएंगे। आज उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है। सुशील कुमार मोदी एक के बाद एक उन्होंने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि बक्सर में किसानों पर लाठियां चलवाने वाले भी यही हैं। जब बक्सर में किसानों पर लाठियां चलवाई जाती हो तो फिर आप इनसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं या आपकी किस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? क्या ये उम्मीदें आप रखते हैं कि यह आपके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे? नहीं, ये लोग तो खुद आप पर लाठियां बरसवा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी सरकार आज तनाशाही की ओर निकल चुकी है। यह बात साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी ने बक्सर में जनता के सामने रखने का काम किया। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर ये है कि अब जी हाँ बीजेपी को भी मात देने की तैयारी में आरजेडी की रणनीति तैयार हो चुकी है और आरजेडी ने एक ऐसा प्लान सेट किया है जो नीतीश कुमार को भी परेशान कर रहा है। नीतीश कुमार कभी बिहार के सीएम रहे तो बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव परेशान करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने हमेशा से ये कोशिश की है कि किसी भी हालात से निपटा जा सकता है पर नीतीश से निपटने के लिए होने वाले सभी प्रयासों पर अपनी अहमियत कायम रखना चाहिए। अपनी मौजूदा अहमियत जब कायम रहेगी तो ये हमारा बाल बाका तक नहीं कर सकेंगे। शायद इसीलिए जो है वो चीज़ों को बदलने का एक प्रयास हो रहा है और जब तेजस्वी यादव आगे निकल करके इसे बदलने का प्रयास कर रहे थे तो फिर तेजस्वी के नामों में जो है वो सीएम लगना शुरू हो गया है। तेजस्वी ने एक बार फिर से सीएम उम्मीदवारी को पेश कर दिया है और सीएम की कुर्सी को मांगने के लिए वह आगे निकल रहे हैं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर ये है कि आज सिद्धू को फिर जेल से बाहर निकलने के बाद में कांग्रेस का कमान पंजाब वाला दिया जाएगा। कांग्रेस के कमान दिए जाने के साथ साथ कांग्रेस और मजबूत हो सकेगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के मजबूत होने वाली नीतियों से ही यह सवाल और जवाब है क्योंकि कांग्रेस जितना ज़्यादा मजबूत होगी उतना ज़्यादा कांग्रेस के लिए इस समय फ़ायदे का सौदा होगा। 2024 में चुनाव है और 2023 में कांग्रेस को खुद को बहुत मजबूत स्थिति में जाना होगा।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने माना कि 2024 के चुनाव में हम लोग निडर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और निडरता के साथ अपने आप की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। खैर, इन बयानों को देते जब नज़र आए इस वक्त तो कई बड़े सवाल भी उठे, लेकिन सवाल दरअसल ये है कि क्या सचमुच जो चीज़ें हैं वो दिल्ली की सरकार, मौजूदा सरकार, वो बदल देगी? अपने आप में सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब कब मिलेगा ये पता नहीं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ममता बनर्जी को लेकर के। ममता बनर्जी ने हमेशा से जो है वो एक बार फिर से चीज़ें बदली हैं और अपने चीज़ों को बदलने का साथ साथ उन्होंने ये प्रयास किया है हमेशा से कि हम लोग जो हैं, हमें और हमें लोगों को मजबूत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मौजूदा जो सरकार है उसे मात देने की ममता बनर्जी में क्षमता है, और ममता बनर्जी इसे बखूबी अपने स्तर पर उतारने की खूब तैयारी भी कर रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव ने अपने आप को बताया कि पप्पू यादव ने कहा कि इस बार जो है सीएम कोई और नहीं बनेगा, इस बार तेजस्वी के हाथों में सीएम की कमान सौंपी जाएगी और तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने वाले बयान पर लंबे समय बाद जो है राजद के कभी दुश्मन तो कभी हित माने जाने वाले नेता पप्पू यादव का बयान सामने आता है। खैर, आपका इस पर क्या कहना है कॉमेंट में लिख के बताएं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो हमेशा से अपने बाहों को मजबूत करने का काम किया है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और फिर से एक बार जो है भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप की मजबूत स्थितियों में ले जाने का वो प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जो है जैसे ही आगे निकली थी तब तक कांग्रेस के एक सांसद का हार्ट अटैक से निधन होने के बाद में 2 घंटों बाद जो है यात्रा को अविलंब जो है रोक दिया गया। इस यात्रा में शोक का लहर दौड़ गया। इस यात्रा को जहां आगे बढ़कर के लोगों के पास पहुंचना था यह यात्रा वहीं पर समाप्त कर दी गई। दोस्तों, राहुल गांधी का ये यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं देश में एक नई क्रांति ला रहा है, देश में एक नई क्रांति और एक नए विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इस नए क्रांति से राहुल गांधी जो है देश के बेहतर विकास के लिए अपने बेहतर कामों को कर पाएंगे, और राहुल के इस बेहतर विकास और बेहतर कामों के लिए सराहना भी खूब की जा रही है। खैर, आपकी क्या कहना है कॉमेंट में। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि संपूर्ण शराबबंदी वाले इस बिहार के अंदर भी शराबबंदी के नाम पर क्या सचमुच घोटाला हो रहा है? क्या सचमुच बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज़ नहीं है? दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट्स के अनुसार शराबबंदी कानून में ऐसे कई बार तस्वीरें जो है वो अनर्गल तरीके से सामने आई हैं, जब शराबबंदी होते हुए भी लोगों को शराबबंदी का एहसास नहीं है, क्योंकि शराब तो घरों तक मिल जा रहा है, तो ऐसे में शराबबंदी का असर कितना पड़ रहा है यह बखूबी आपको भी बेहतर पता होगा। बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर यह है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई एक बार फिर से उछाल के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी पता चल चुकी है। दोस्तों, अक्सर जो है खरवास के महीनों में सोने की कीमत कम होती थी, लेकिन इस बार खरवास के महीनों से ही सोने की कीमत में इजाफा होने लगा, बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी, और सोने की कीमत एक नई उछाल के साथ लगातार लोगों को परेशान करती नजर आई। खैर, आपका इस पर क्या कुछ कॉमेंट्स है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि इस वक्त सोनिया गांधी ने कहा कि देश में लगातार हम लोग एक नई क्रांति लाएंगे, और देश में जो देश को तोड़ने की बात करते हों वो देश को भला कैसे जोड़ सकते हैं, देश को तोड़ने वाले लोगों से सावधान रहें, देश को कभी टूटने ना दें, ये हमारी और आपकी प्रयास होने चाहिए, और अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो देश कभी नहीं टूटेगा। तो देश को तोड़ना नहीं है, देश को जोड़ना है, और इसी जोड़ने वाली नीतियों के साथ इस वक्त जो है प्रियंका गांधी आगे बढ़। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाएं देश में लगातार जो है चिंता का कारण बनती है, और देश में लगातार यह चिंता का कारण बनता है कि आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण में कैसे लाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में आज आपराधिक घटनाओं का ग्राफ स्तर आगे बढ़ रहा है, और इसी के कारण देश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का जिक्र कम, पर बिहार में होने वाले आपराधिक घटनाओं का जिक्र ज़्यादा हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है, जहाँ पत्रकार से लेकर के किसान और मजदूर से लेकर के अंबानी और अडानी जैसे अंबीर भी सावधान नहीं है।
बड़ी खबर तो ये है कि अब ठंड ने लोगों की किकुड़न बढ़ा दी है और लगातार ठंड से बचने के लिए आपको कई वर्षों पुराने ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है और ठंड से बचने के लिए आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि घरों से बाहर कदापि ना निकलें। निकलते वक्त ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल अवश्य करें, यह आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षित हो सकता है, अन्यथा आप जो है ठंड के गिरफ्त में आने के बाद में भारी परेशानियों से गुजर सकते हैं। ऐसे में मिली एक रिपोर्ट्स के अनुसार ठंड ने लगातार कई अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ बरसी है। लॉकर के नियम बदल चुके हैं और नए साल के अनुसार नए लॉकर के नियम भी आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। लॉकरों के नियम बदलने के साथ साथ आपको इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि लॉकर के नियम आखिर क्या हैं और किस तरीके से लॉकर के नियम बदले हुए हैं, लॉकरों के नियम बदलने के पीछे का कारण क्या है और इसके साथ साथ तमाम बड़ी छोटी चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लॉकर में आप बेशकीमती सामानों को रखते हैं और अगर इस वक्त लॉकर में रखे बेशकीमती सामान जो है आपका खो जाए तो आपको भारी परेशानी से गुजरना होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज देश में जी हाँ जिस तरीके से घर बनाना महंगा हो चुका है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश में जहाँ महंगाई का स्तर आगे बढ़ रहा है तो लोहे की कीमत थोड़ी बहुत गिरावट के साथ दर्ज की गई है। ऐसे में अगर आप लोहा खरीदना चाहते हैं या रड खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतर मौका है जब आप रड खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी रड की कीमत में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है और लंबे समय से ये बढ़ोतरी की ओर था लेकिन अब जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिली। बड़ी खबर तो ये है कि आज जिस तरीके से जी हाँ लगातार एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या देश में बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरों की भी संख्या देश में बढ़ रही है। टाटा से लेकर के तमाम कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि करने का बड़ा जो है वो विकल्प लिया है और देश में लगातार इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपकी छोटी बड़ी प्रतिक्रियाओं का हमें बेहतर ढंग से इंतज़ार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के एजेंडे तो मजबूत हुए लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कौन कौन पहुंचेगा। भारत जोड़ो यात्रा के समापन दिवस के अवसर पर तमाम नेताओं को निमंत्रण पत्र देने वाली कांग्रेस ने यह दावा किया है कि विपक्षियों की एकता तो उस दिन देखने को मिलेगी जिस दिन कांग्रेस का जी हाँ भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। उस दिन यह पता चलेगा देश के तमाम आज़ाद नेताओं को कि आज आज़ादी का कितना महोत्सव मनाए जाने वाले हैं। बिहार में अब मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ मुकेश सहनी के नामों की चर्चा है। माना जा रहा है कि मुकेश सहनी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा से जी हाँ मछुआरे समाज के लोगों का दुख और दर्द समझने का प्रयास किया है और इसीलिए उनकी बातों पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है और उनकी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की बात शुरू हो गई है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल में अगर आते हैं तो फिर बिहार का जो महागठबंधन है वो और मजबूत होगा और 2024 के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, 2024 के लिए काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि आज जिस तरीके से जी हाँ बर्फबारी हो रही है या बर्फबारी का लुफ्त उठाने के लिए तमाम लोग कश्मीरों का रुख कर रहे हैं, ऐसे में हमारी भी आपकी भावनाओं के साथ ही है। अगर आप भी कश्मीर में जाकर के लुफ्त उठाना चाहते हैं तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आज की ये तमाम बड़ी खबरें आपको बेहतर लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक करना अपना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।